हे गाइज, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइज, आज हम ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। स्वीट सुल्तान मिक्स की वैरायटी है गाइज, और आपने अगर इससे रिलेटेड वीडियो अगर नहीं देखा है, किसे सीड से कैसे ग्रो करें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमने लिया है डिस्पोजल ग्लास, जैसा कि हर प्लांट को मैं सबसे पहले इसी में ट्रांसप्लांट करता हूँ, और हमने यहाँ पर ड्रेनेज होल का भी ध्यान रखा है। तो हम पहले इसे निकाल लेते हैं। हमारे पास करीबन लगभग 20-25 पौधे हैं ये, और हम उतने गिलास यहाँ पे निकाल लेते हैं। और गाइज, मैं आपको बता दूँ कि आज 3 दिसंबर 2020 का डेट है, और आज मैं ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ इसे। यहाँ पे मैं नए नए गिलास इसलिए लेता हूँ क्योंकि अगर मुझे सेल करना हो तो इसमें फंगस वगैरह की दिक्कत ना हो, मैं इसे फिर से रीयूज भी करता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमने लिया है मिट्टी, देख सकते हैं ये मिट्टी बहुत ही, इसे हमने चाल लिया है, ये चलनी होता है ना, उससे हमने चाल लिया। देख सकते हैं ये इतनी सूखी हुई है कि इससे धूल उड़ रहे हैं, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने ग्लास में या आधी ग्लास में हमने इसे भर लिया है, और मिट्टी में हमने मिलाया है वर्मी कम्पोस्ट, ये सिटी कम्पोस्ट होता है, उसे हमने मिला के रखा है, और उसे भी हमने बिल्कुल अच्छी तरह से सुखाया हुआ है। और अब मैं आपको बताता हूँ, ये हल्के से हमने पीछे से पुश किया, और ये देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से निकल गया, और भी आसानी से निकल जाता है, लेकिन ये किनारे में थोड़ा, इसके जो सीड्स है वो किनारे में थे, इसी कारण ये आसानी से निकला, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसके रूट से जो डेवलप हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। अगर आपने इसकी वीडियो, अगर पहली वीडियो नहीं देखी कि इसे सीड से कैसे ग्रो करें, तो प्लीज़ जा करके आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं, और वहाँ पे आप अच्छे से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये गाइज, हमने यहाँ पे ऐसे इसे रखा, और बस वही मेथड है जो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, मिट्टी से इसे फील करना है और बहुत आसानी से इसे रखना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको दूसरे पौधों को करना है, और तीसरे पौधे को भी आपको इसी तरह से आप नीचे से बिल्कुल अच्छे से पुश करेंगे। और ध्यान रखना है गाइज कि आप जब भी ट्रांसप्लांट करें तो आपका मौसम कैसा होना चाहिए, उस समय टेम्परेचर क्या होना चाहिए मौसम का, और अगले 2-3 दिनों के भी टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए आप इसे ट्रांसप्लांट करें। और क्योंकि मिट्टी वगैरह अच्छे से सूखा ले, देख सकते हैं हमारी मिट्टी कितनी सूखी हुई है, और जैसे इसमें फंगस लगने का कोई डर ही नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे तरह से, मैंने इसमें कोई भी फंगीसाइड का उपयोग नहीं किया। कई सारे लोग कहते हैं कि सर नीम खली डाल दो, ये डाल दो, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी नीम खली वगैरह का कोई यूज नहीं कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ मिट्टी है, और अच्छे से मिट्टी को हमने सुखा रखा है, और यहाँ पर वर्मी कम्पोस्ट का यूज किया है हमने। ये मिस्टेक हो गया, थोड़ा और नीचे हमें रखना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं पूरी तरह से मिट्टी को फील कर देता हूँ। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि सर पानी कैसे देना है इसमें इस तरह से, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, स्प्रे करेंगे थोड़ा सा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे ग्लास में जब मैं इसे फील करता हूँ तो आपको पानी कैसे देना है, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसे, चलिए जल्दी जल्दी से इसे हम फील कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने बताया था, हमने इसे पूरी तरह से सारे ग्लास में ट्रांसप्लांट कर लिया है, और अब हम आए हैं अपने सेट पे, यानी कि दोस्त हमने यहाँ पे लिया है एक बकेट, और बकेट में हमने रखा है पानी, और करीबन ये 2-3 लीटर पानी है, और इस प्रकार से देख सकते हैं इसे हमने बहुत ही आसानी से इसे रख दिया है, और कुछ इस प्रकार से हम सारे ग्लास को इस बकेट में रख देंगे। तो इससे होगा क्या कि जो नीचे से जो ड्रेनेज होल हमने बना रखा था चार चार, उससे ये जो पानी है वो ऊपर की ओर चढ़ेगा और बिल्कुल अच्छे से उसके सिरे तक आ जाएगा, आपको मैं लास्ट तक दिखाऊंगा। तो गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कितने अच्छे तरीके से ये भींग चुका है, और जो भींग चुका है उसे अब हम निकाल लेंगे, और दूसरे गिलास को हम इसमें रखेंगे, और बारी बारी से कुछ ऐसा ही करेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से भींग जाता है, बिना इसके जड़ों को कुछ नुकसान हुए और पौधे को नुकसान हुए, ये बिल्कुल ऊपर तक भींग जाता है। तो ये देखिए हमने सारे को निकाला, और चलिए अब हम मिलते हैं अपने सेट पे। अब हम आपको सेट पे बताएंगे इसे कैसे क्या करना है आगे। तो ये गाइस देख सकते हैं इस पर बहुत सारे धूल मिट्टी लगी हुई है, और हम यहाँ पर जल्दी जल्दी से यहाँ पर सारे ग्लास वाले पौधे को रख देते हैं। अब हम इसे साफ़ करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे हमें साफ़ करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लीटर वाला ये बॉटल रखा है, स्प्रे बॉटल है, और यहाँ पे हमने सीवीट लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है। हम इसे थोड़ा सेक करेंगे, और हम इस पर
लगभग 6-7 बूंदी हम इसके 2 लीटर पानी में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे से इसे स्प्रे करेंगे बहुत ही अच्छे से, ताकि आप ध्यान रखें इस बात का कि पौधे टूटने ना पाए, क्योंकि अभी नाजुक हैं। ये देखिए, हम धीरे धीरे इसे अच्छे से साफ़ करेंगे। आपको बिल्कुल अच्छे से साफ़ करना है ये, और मैं तो इसे पूरी तरह से, अब मुझे पता है ये पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, और मैं तो इसे पूरी तरह से नहला दूँगा आज। तो इसे हमने अच्छे से, बहुत अच्छे से साफ़ कर चुका हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसके ऊपर से सारी मिट्टी हट चुके हैं, और इसमें कोई फंगस लगने का डर भी नहीं है एक तरह से, ये ना सड़ेगा ना और कुछ होगा। तो आगे की अपडेट हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज, आज जो तारीख है वो करीबन शायद 5 दिसंबर है, और मैं ये वीडियो 5 दिसंबर का ले रहा हूँ, और देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये अपडेट हो चुका है, और सारे के सारे पौधे लग चुके हैं। अगर पौधों की कुछ दिक्कत या परेशानी होती तो शायद वो मर जाते, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अपडेट। और ट्रांसप्लांट करने के बाद मैं हर वीडियो में इस तरह से करता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं सारे के सारे जो पौधे हैं वो ग्रोथ में हैं और ग्रोथ कर रहे हैं। तो गाइस, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, तो आप कुछ ना कुछ हमें ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि हमें क्या कमियां हैं और क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं, और क्या आपको अच्छा लगा इस वीडियो में उसके बारे में आप हमें ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा गाइज। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे आप किस तरह का वीडियो हमसे चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखिएगा। तो गाइज, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।